आज का हमारा टॉपिक गैस की एक नई प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करेंगे, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। ये गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम स्टडी करेंगे। पहले इनकी डेफिनेशन कि ये होती क्या हैं, एंड देन वी विल स्टडी कि इनसे रिलेटेड लॉज क्या हैं, ये किस तरीके से इफेक्ट करती हैं। डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो ये आप अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ के भी आए हैं इसकी डेफिनेशन, विच इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ये डेफिनेशन है, इसका मतलब क्या है वो भी हम सबको मालूम है कि एक जगह पे अगर सपोज ये एक रीजन है, इसमें अगर इस एरिए में किसी चीज की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, वो अबंडेंटली मौजूद है, तो उसके मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाकी तमाम एरियाज की तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे। ये यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन क्या है, लो कंसंट्रेशन है, और इस एरिया में इसकी हाई कंसंट्रेशन है। तो ये है जी डिफ्यूजन। इसकी सिंपल एग्जांपल जो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि अगर ये आपका एक रूम है और इस रूम के एक कोने में आप कुछ परफ्यूम स्प्रे करते हैं, तो कुछ देर के बाद रूम के दूसरे कोने में बैठे शख्स को उसकी खुशबू आ जाती है। ये सारे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इक्वली पूरे रूम के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब हम चूंकि गैसेस को स्टडी कर रहे हैं तो हम गैसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है ये हमें बताती है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी गैस के, दे मूव हैफेजर्डली एंड रैंडमली। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो उनसे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, दे आर मूविंग इन नो पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी खास मखसूस डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं करते, वो इधर उधर मूव करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर है, इसके अंदर ये गैस के कुछ मॉलिक्यूल हैं, तो एक मॉलिक्यूल को अगर आप स्टडी करें ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेगा। अब जब डिफरेंट डायरेक्शन में ये मूव करेगा तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, क्या, नंबर वन कि इट कोलाइड्स विद, कोलिजन होगी किसके साथ, विद अनदर मॉलिक्यूल। दो चांसेस हैं कि एक क्या है कि ये अपने रास्ते में आने वाले किसी मॉलिक्यूल के साथ टकरा जाए, दूसरा क्या है कि ये कोलाइड करे विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। आपका जो भी सिलेंडर है जिसके अंदर आप उस गैस को रखे हुए हैं उसकी वॉल्व के साथ वो मॉलिक्यूल जाके स्ट्राइक करेगा, तो दो तरह की कोलिजन जो होती हैं वो हो सकती हैं। अब सपोज करें कि आपके पास ये एक टैंक है, इसके अंदर एक तरफ ऑक्सीजन गैस है एंड दूसरी तरफ नाइट्रोजन ऑक्साइड है NO2। ये गैसेस के मॉलिक्यूल दोनों तरफ अपनी आपका प्रेशर प्रेशर, अब हमें पता है कि जब ये मॉलिक्यूल जुड़ते हैं रैंडमली मूव करते हैं और वॉल्व ऑफ कंटेनर के साथ स्ट्राइक करते हैं तो अपना कुछ ना कुछ पार्शियल प्रेशर जो है वो मेंटेन करते हैं, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं पार्शियल प्रेशर। इसी तरह यहाँ पे NO2 के मॉलिक्यूल हैं, वो भी क्या है, अपना प्रेशर को मेंटेन किए हुए हैं। अब अगर मैं इसमें से पार्टीशन को हटा दूं तो सारे मॉलिक्यूल, O2 के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है तो ये यहाँ से यहाँ पे डिफ्यूज आउट हो जाएंगे, और NO2 मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है तो ये यहाँ से यहाँ पर
डिफ्यूज आउट हो जाएंगे और जब आप एंड पे देखेंगे तो O2 और NO2 एक दूसरे के अंदर इक्वली डिफ्यूज आउट हो चुके होंगे और दोनों अपना पार्शियल प्रेशर अलग-अलग मेंटेन करेंगे। तो ये प्रोसेस जो हुआ दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बेसिकली गैसेस इस वजह से करती हैं कि अपना पार्शियल प्रेशर जो था पहले इंडिपेंडेंट जब वो थी और जब वो कॉम्बिनेशन में आ गई तो वो मेंटेन करें, तो फिर गैसेस जो उनसे गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में मूव करना शुरू कर देते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि इनके दरमियान आपको होमोजेनस मिक्सचर मिल जाता है। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब क्या है कि आप इसमें से किसी भी एरिया को स्टडी कर लें, आपके पास ऑक्सीजन और NO2 की कंपोजिशन सेम सेम मिलेगी। ये नहीं होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा हो इस एरिया को आप स्टडी करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा हो, इस एरिया को स्टडी करें तो यहाँ पे NO2 ज्यादा हो। आप किसी भी एरिया को स्टडी करें दोनों की जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम होगी। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था अबाउट डिफ्यूजन के डिफ्यूजन होती क्या है और ये कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के अंदर गैसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिफ्यूजन से मिलता जुलता है, दैट इज इफ्यूजन। अब इफ्यूजन में क्या होता है? इफ्यूजन में भी ये भी बेसिकली गैस की मूवमेंट ही है लेकिन इट इज थ्रू अ स्मॉल पिन होल। ठीक है जी, एक बहुत ही छोटी ओपनिंग। अगर ये मेरे पास एक एरिया था, एक कंटेनर था जिसके अंदर यहाँ पर गैस मौजूद थी, ये मैंने दरमियान में छोटा सा एक पिन होल बनाया है। ये पिन होल का मतलब क्या है कि बहुत ही छोटी सी ओपनिंग, वेरी स्मॉल ओपनिंग। अब होगा क्या अगर इस एरिया को मैं मैग्निफाई करूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब ये जो गैस का मॉलिक्यूल है ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब चांसेस क्या है कि ये मूव करता करता ऐसी डायरेक्शन पे आए कि ये इस पिन होल के मुंह पे आए। जैसे ही ये पिन होल के मुंह पे आके स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे वॉल नहीं है, ये यहाँ से एस्केप करके इस तरफ आ जाएगा, एरिया ऑफ लो प्रेशर। ये याद रखें कि जिस तरफ ये मूव करेगा वो एरिया ऑफ लो प्रेशर होगा, वो वैक्यूम होगा, वहां पे कुछ भी नहीं होगा। और ये पिन होल से जो एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ वेरी स्मॉल ओपनिंग इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये डेफिनेशन है, आपकी बुक में भी लिखी हुई है। डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इट्स मूवमेंट थ्रू एन एक्सट्रीमली स्मॉल ओपनिंग, ये पिन होल में से गुजरे, इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। अब वही बात है कि गैसेस के मॉलिक्यूल इधर उधर स्ट्राइक करते हैं तो स्ट्राइक करते करते वो एक ऐसी जगह पे आए जहाँ पे होल मौजूद है और मॉलिक्यूल उसमें से पास आउट हो सकता है, तो एक एक मॉलिक्यूल करके जो उनकी है गैस इस जगह से इस जगह मूव करना शुरू हो जाएगी। आपकी बुक में डायग्राम भी बनी हुई है जिसमें आपको ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। अगर ये एक सुराख है तो यहाँ से जो गैस है ये एक एक मॉलिक्यूल करके इसमें से इस तरफ आना शुरू हो जाएगी, इफ्यूजन हो जाएगी। दिस टाइप ऑफ एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे हमने अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि डिफ्यूजन और इफ्यूजन क्या होती है। अब हम एक लॉ को स्टडी करते हैं जो कि इन दोनों को एक्सप्लेन करेगा कि डिफ्यूजन किस तरीके से अमल में आती है। दैट लॉ, उस लॉ का नाम क्या है? उस लॉ का नाम है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम वॉज द साइंटिस्ट, थॉमस ग्राहम उस बंदे का नाम था, उस साइंटिस्ट का जिसने इस लॉ को प्रपोज किया। ही वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट। अब ये लॉ कहता क्या है? लॉ कहता है जी रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस।
रेट ऑफ डिफ्यूजन का क्या मतलब है? रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब है कि अगर दो गैसेज आपस में मिक्स हमने की हैं तो वो कितनी स्पीड में, जब भी यहाँ पे आपको एक मैं बात बता दूँ, जब भी रेट किसी चीज़ का फिजिक्स में या केमिस्ट्री में आए उसका मतलब है कि ये बात जो है वो रिलेटेड टू समथिंग है। नॉर्मली ये टाइम रिलेटेड होती है। रेट का मतलब है कि कितनी जल्दी या कितनी स्लो आपकी डिफ्यूजन होगी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस। और अब हमें पता है कि डेंसिटी जो है वो डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। तो हम जब भी इस लॉ की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि क्या हो, टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो, कॉन्स्टेंट हो, तो फिर ये लॉ होल्ड करेगा। क्यों? अगर आपका टेम्परेचर चेंज हो गया तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी, डेंसिटी चेंज हो जाएगी तो रेट भी फिर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर और प्रेशर जब कॉन्स्टेंट होंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस। तो अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ आते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनेगी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। तो जब भी हम इसको खत्म करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है, के ओवर अंडर रूट डी, ये आ गया जी रेट। अब अगर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो रेट मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू के। तो ये जो है आपके पास ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन की मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब हम इस स्टेटमेंट को यूज करते हुए एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे जो आगे चल के हमें हेल्प करेगा। तो ये था जी ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास टू गैसेस हैं, गैस वन एंड गैस टू। अब अगर मैं ग्राहम लॉ इसके लिए लिखूं तो आर वन फॉर रेट ऑफ गैस वन इंटू डी वन डेंसिटी ऑफ गैस वन इज इक्वल टू के, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। गैस टू के लिए अगर मैं इक्वेशन ग्राहम लॉ के लिखूं आर टू, दिस इज आर इंटू डेंसिटी ऑफ सेकेंड गैस इज इक्वल टू के, इक्वेशन नंबर टू। दो डिफरेंट गैसेस हैं, अभी हमने ऊपर बात की कि ये जो है आर इंटू अंडर रूट डी इज इक्वल टू के, तो ये जो के है ये डिफरेंट गैसेस के लिए सेम होता है, सेम फॉर डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये के जो उनका है गैस टू के लिए भी सेम होगा और गैस वन के लिए भी सेम होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन नंबर वन से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड टू बाय वन, आर वन इंटू अंडर रूट डी वन इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय आर टू इंटू अंडर रूट डी टू इज इक्वल टू के, दिस विल कैंसल आउट। तो ये क्वेश्चन आपके पास क्या बन जाएगी, आर वन ओवर आर टू इज इक्वल टू अंडर रूट डी टू ओवर अंडर रूट डी वन। तो अगर आपके पास दोनों गैसेस की डेंसिटीज मौजूद हों और एक का रेट मौजूद हो तो दूसरे का रेट आप निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आपके पास आगे चल के इस्तेमाल होगा। फार्मूले को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, आर वन डिवाइडेड बाय आर टू इज इक्वल टू अंडर रूट डी टू ओवर अंडर रूट डी वन। अब हमें पता है कि जो डेंसिटी ऑफ गैस होती है, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी गैस के मॉलिक्यूलर मास के। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, जो गैस का मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा वो गैस डेंस होगी। तो अब हम इसको
रिलेट कर सकते हैं डी टू को, रिप्लेस में कर सकता हूँ एम से, मॉलिक्यूलर मास से, आर वन ओवर आर टू इज इक्वल टू अंडर रूट एम टू ओवर अंडर रूट एम वन। अगर मेरे पास दोनों गैसेस का मॉलिक्यूलर मास मौजूद हो तो मैं उनसे उनके रेट्स निकाल सकता हूँ। तो ये था जी ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म। एम वन और एम टू क्या है? ये दोनों गैसेस के, गैस वन के मॉलिक्यूलर मैसेज हैं, मॉलिक्यूलर मैसेज ऑफ गैस वन एंड टू। अब हम एक एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन से इसको समझ लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटली जो है ग्राहम्स लॉ कैसे होल्ड करता है। अब वो कहता है जी कि आप एक मीटर लंबी एक ट्यूब ले लें, एक ग्लास ट्यूब है, और आप क्या करें, आप इसके एक एंड के ऊपर जो है आप एक कॉटन का प्लग लें, उसको सोक करें HCl के अंदर और इसको एक एंड पे लगा दें और दूसरी तरफ जो है आप जो कॉटन प्लग लें और उसको सोक कर दें अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, आपने क्या किया, वन मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब ली और उसके एक एंड पे कॉटन का प्लग लगा दिया HCl के अंदर सोक करके और दूसरे एंड के ऊपर अमोनियम हाइड्रोक्साइड पे। अब क्या होगा, ये गैसेस यहां से यहां डिफ्यूजन होगी, ये गैसेस मूव करेंगी, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड से निकलेगी अमोनिया गैस, ये यहां से मूव करेगी, HCl जो है HCl गैस निकलेगी, HCl गैस जो है वो यहां से मूव करेगी। अब इन दोनों के मॉलिक्यूलर मैसेज डिफरेंट हैं तो इनका रेट भी जो है वो डिफरेंट होगा। वो आपकी बुक में कह रहा है जी कि एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमने इसको देखा तो जो HCl के मॉलिक्यूल्स मूव किए वो किए 40.5 सेंटीमीटर और जो अमोनिया ने मूव किया वो था जी 59.5 सेंटीमीटर। अब हमें कैसे पता चला किसने कितना मूव किया है? तो जब HCl और अमोनिया आपस में मिलते हैं तो ये बना देते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है, तो जब भी आपस में रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के पास पहुंच के तो वहां पे हमारे पास विजिबल हो जाएगा कि ये जगह पे इन दोनों आपस में मिली हैं, तो वहां से हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे कि उसने इतना ट्रेवल किया और उसने इतना ज्यादा ट्रेवल किया। अब हम इन चीजों को अपनी इक्वेशन में पुट करके देखेंगे कि ग्राहम्स लॉ जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। हमारी इक्वेशन थी R1 ओवर R2 इज इक्वल टू M2 ओवर M1 अंडर रूट, ये हमारी इक्वेशन थी। अब हमारे दो गैसेस कौन सी हैं, HCl एंड NH3। तो इसको अगर मैं अपनी सिस्टम के मुताबिक लिखूं तो ये हो जाएगा R ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय R ऑफ HCl इज इक्वल टू अंडर रूट M ऑफ HCl डिवाइडेड बाय अंडर रूट M ऑफ NH3। R ऑफ NH3 जो है वो हमने अभी एक्सपेरिमेंट से देखा कि अमोनिया ने कितना मूव किया था, 59.5 सेंटीमीटर। R ऑफ HCl वो भी हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला 40.5 सेंटीमीटर। अब हम आ जाते हैं M ऑफ HCl पे, HCl का मॉलिक्यूलर मास वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा HCl से, ये होता है जी 17 HCl और क्लोरीन का सॉरी होता है 35.5 और हाइड्रोजन का 1, तो ये M ऑफ HCl हो जाएगा 36.5 और फिर आ गया M ऑफ NH3, अमोनिया का होता है नाइट्रोजन पर 14 और हाइड्रोजन 1 इंटू 3, तो ये हो जाता है 17। इस सारी चीजों को उठा के अब मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा, NH3 का रेट है 59.5, HCl का रेट है 40.5, M of HCl is 36.5 अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 17। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो दोनों साइड का वो सेम आएगा। तो यहां से क्या पता चला,
कि आपने जो इक्वेशन थी ये वाली आपकी, वो क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। ये जो इक्वेशन आपने ग्राहम्स लॉ की डिराइव की थी ये सही है और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। तो ये थी जी डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जिससे हमने उसकी एप्लीकेशन देखी। अब आती है एक एग्जाम्पल आपकी बुक की, जिसमें हम यही फॉर्मूला को यूज करेंगे अपना आंसर निकालने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 की स्टेटमेंट में से हम डाटा सबसे पहले लिखते हैं। स्टेटमेंट को पढ़ के वो कह रहा है जी 250 सेंटीमीटर ऑफ अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन, गैस 1 इज हाइड्रोजन। इसका आपने वॉल्यूम कितना लिया हुआ है, 250 सेंटीमीटर क्यूब। एफ्यूजेस 4 टाइम्स एज रैपिडली एज 250 सेंटीमीटर। ये अगली का गैस का वॉल्यूम भी 250 सेंटीमीटर क्यूब है। ऑफ एज अननोन गैस, गैस 2 जो है उसको मैं कह देता हूँ एक्स, ही हमें अननोन है। वो कह रहा है जी अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। और उसने ये बता दिया है कि जो इसका रेट है वो 4 टाइम्स है इसके रेट के, कि हाइड्रोजन जो है वो 4 टाइम्स जो होती है जल्दी से फ्यूज होती है एक्स की निस्बत। तो इसको अब हम यूज करेंगे अपना सॉल्यूशन की तरफ को सोल्व करने के लिए। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन इंतहाई आसान। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है जी, अब हमें पता है रेट ऑफ अननोन गैस जो कि हमने ली हुई है एक्स, तो ये होगा आर एक्स। और यहां पे मैं लिख रहा हूं रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस जो कि क्या होगा, हाइड्रोजन एच टू है तो ये हो जाएगा आर ऑफ एच टू। अब वो कह रहे जी हाइड्रोजन का रेट 4 टाइम्स है अननोन गैस के रेट के मुताबिक। तो अगर अननोन गैस का 1 हो तो हाइड्रोजन का 4 होगा। स्टेटमेंट यही कह रही है कि हाइड्रोजन गैस का रेट 4 टाइम्स है, 4 गुना ज्यादा है अननोन गैस के। तो अननोन गैस का अगर 1 हो तो हाइड्रोजन का कितना होगा, वो हो जाएगा उसके 4 टाइम्स, मतलब 4। तो हमने 1 उसको बेसिस ले ली और उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक हमने उसको 4 ले लिया। दूसरी चीज हमें चाहिए मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है जी 2, और मोलर मास ऑफ अननोन गैस हमने फाइंड आउट करना। अब इक्वेशन क्या कहती है, इक्वेशन कहती है जी आर वन ओवर आर टू इज इक्वल टू एम टू ओवर एम वन होल अंडर रूट। ठीक है, इसको अलग अलग अंडर रूट को लिख लें वो एक ही बात है। अब हम इसको अपने सिस्टम के मुताबिक लिख लेते हैं, वो है जी आर ऑफ एच टू डिवाइडेड बाय आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एम ऑफ एच। अब सारी वैल्यू जो थी हमारे पास मौजूद है उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। R of H2 is 4, R of X is 1, M of X हमने फाइंड आउट करना है और M of H2 is 2। तो इसको जब आप सोल्व कर लेंगे दोनों तरफ, अगर मैं स्केयर ले लूँ तो ये 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा एम एक्स बाय 2। ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एम एक्स इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड एम एक्स इज इक्वल टू 32। अब 32 किस गैस का होता है, ऑक्सीजन का होता है। तो हम कहेंगे जी जो अननोन गैस थी दैट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस थी ये, इसका मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम पर मोल है। तो इस तरीके से हमने ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन की इक्वेशन को यूज करते हुए दो गैसेस के रेट जब हमें दिए हुए थे तो हमने दूसरी गैस निकाल ली कि ये दूसरी गैस जो सी है वो कौन सी है। इसी तरह अगर हमें दूसरी गैस का पता होता तो फिर हम रेट वगैरह निकाल सकते थे। तो ये इक्वेशन जो सी है आपके इस्तेमाल होगी फर्दर। तो आज के टॉपिक में हमने जो चीजें स्टडी की हैं उसको अब मैं समराइज कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने देखा
कि डिफ्यूजन क्या होती है। डिफ्यूजन क्या होती है जी? डिफ्यूजन होती है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के अंदर इंटरमिंगल हो जाते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फैल जाते हैं ताकि अपना पार्शियल प्रेशर मेंटेन कर सकें। फिर हमने पढ़ा इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या होती है? इफ्यूजन इज कि एक छोटे से पिन होल में से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लो रीजन ऑफ प्रेशर, प्रेशर के कम रीजन की तरफ उस पिन होल में से एस्केप करते जाएं, तो दैट इज कॉल्ड इफ्यूजन। फिर हमने ग्राहम्स लॉ पढ़ा। ग्राहम्स लॉ कहता था कि रेट ऑफ एनी गैस, रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डी। फिर हमने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी और उसको मॉलिक्यूलर मास की टर्म्स में ले आए। फिर हमने HCl और NH3 वाली एग्जांपल से उसको वेरीफाई किया कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन होल्ड करता है, कि किस तरीके से वो 40.5 और 59.5 पे एक जंक्शन बन गया और हमने उसको फॉर्मूले में पुट किया और एंड पे हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की जिससे हमें मजीद इसकी इलेबोरेशन हुई कि हम किस तरीके से मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। तो ये यहाँ पे अब जो है हमारे गैस लॉज जो उनसे हैं वो सारे के सारे हमारे ख़त्म हो गए हैं। अब हम फर्दर इसमें चीज़ें देखेंगे जैसे कि कनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और उससे रिलेटेड फर्दर चीज़ें। गैस लॉज जो उनसे अब तक हमने पढ़े हैं उनको भी मैं यहाँ पे समराइज कर दूँ। सबसे पहला था बॉयल्स लॉ, अगर आपको याद हो। फिर हमने पढ़ा चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बताता था पी और वी का रिलेशन। फिर हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा, वो बताता था टी और वी का रिलेशन। फिर हमने एवोगैड्रोज लॉ पढ़ा। एवोगैड्रोज वो बताता था जी वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का। फिर हमने उनसे रिलेटेड गैस इक्वेशंस पढ़ी और आर की वैल्यूज, वो वाला सारा काम भी हमने देखा। फिर हमने जो चीज देखी वो थी जी, एक हमने ग्राहम्स लॉ पढ़ा आज, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। और फिर एक हमने पढ़ा था जी डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये फाइव लॉज जो उनसे हैं वो बेसिकली हमने स्टडी किए हैं इन दी गैस लॉज। तो यहाँ पे हमारे गैस लॉज खत्म हो गए हैं और अब हम फर्दर इन गैस लॉज की एप्लीकेशन वगैरह और इनमें जो उनसे चेंजेस वगैरह हैं आइडियल और रियल गैसेज के हवाले से वो देखेंगे। तो दिस वॉज एंड ऑफ द गैस लॉज। नेक्स्ट टाइम हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज को स्टडी करेंगे।